नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत दस्तक इंडिया से। आज हम आप लोगों को एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहते हैं जिन्होंने चाय के बिज़नेस के साथ अपने राइटिंग के पैशन को कंटिन्यू रखा। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें ये सीख दी है कि पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती। 62 साल की उम्र में इन्होंने MA इन हिंदी साहित्य करी है। तो आइए मिलते हैं लक्ष्मण राउत जी से। नमस्कार जी। तो लक्ष्मण जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है जी कि हिंदी की शुरुआत कैसे हुई? दरअसल मैं महाराष्ट्र से हूँ, एक छोटा सा गांव तड़ेगांव दशासर अमरावती ज़िले में। वहाँ मेरा 22 जुलाई 1952 को जन्म हुआ और 8वीं कक्षा तक मैं वहीं पढ़ता रहा हूँ। लेकिन पढ़ते पढ़ते मैं गुलशन नंदा जी के उपन्यास पढ़ता था। गुलशन नंदा जी के उपन्यास हिंदी में थे, मेरी मातृभाषा तो मराठी थी, लेकिन गुलशन नंदा जी के उपन्यास पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि ये भाषा बहुत अच्छी है। और दूसरी बात ये कि ये भाषा हमारे पूरे देश की है। उन्हीं दिनों में हमारे गांव का एक लड़का था रामदास, वो पानी में डूबकर मर गया और उस पर मैंने पहला उपन्यास लिखा। वो उपन्यास प्रकाशित करने के लिए मैं ये सोच रहा था कि ये कहाँ होगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये दिल्ली के बिना नहीं हो सकता है, परंतु मैं अपने गांव से अमरावती शहर आया, वहाँ 10वीं पास की। उसके बाद 5 वर्ष मैंने मिल में काम किया और वो मिल 1975 में बंद हो गया। फिर मैं 1975 में 40 रुपये लेके अमरावती से भोपाल आया। भोपाल में 3 महीने मैंने मजदूरी की, 90 रुपये मैंने कमाए। ट्रेन की टिकट जो थी वो 90 रुपये कमा के दिल्ली आया और फिर यहाँ मैं अपना सपना बनाने लगा। यहाँ आकर भी मैंने भवनों पे मजदूरी की, ढाबे पे बर्तन साफ किए और काम करता रहा। उसके बाद इसी रोड पर, ये ITU के बाद विष्णु दिगंबर मार्ग है, यहाँ पर एक पेड़ के नीचे चबूतरा बनाकर मैं पानबीड़ी सिगरेट बेचने लगा। 15 साल तक मैंने पानबीड़ी सिगरेट बेची। उसके बाद मैं चाय लगाने लगा, 25 साल तक मैंने चाय बेची। लेकिन जो मुझे लेखक बनने का सपना था उसके लिए मैंने काफ़ी संघर्ष किया। प्रकाशकों के पास गया तो एक प्रकाशक ने मुझे गेट आउट कहा। फिर उसके बाद अपने पैसों से मैंने किताबें छपी। आज देख रहे हो आप, मेरी 30 किताबें हैं जो मैंने अपने पैसों से प्रकाशित की है और हर साल 5-10 लाख की किताबें बिक जाती है। अब तक 30-35 हज़ार प्रतियां मेरे पुस्तकों की बिक चुकी है। मैंने 30 किताबें लिखी है, इस टाइम ये आपके सामने उपलब्ध है। और एक लेखक बनने का जुनून था और आप जैसे पत्रकार मुझे पूछते थे व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, तब मुझे लगा कि मैंने पढ़ना चाहिए। मैं 10वीं पास होकर तो दिल्ली में आया था, लेकिन उम्र के 40 साल में मैंने 12वीं पास की। उम्र के 50 साल में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA किया और उम्र के 63 साल में मैंने इग्नू से MA में हिंदी किया और उसके बाद मैंने एक शोध ग्रंथ भी लिखा। ये मेरा एजुकेशन रहा। मेरा आपसे अगला सवाल ये है, जैसे आजकल आप देखते हैं कि काफ़ी जैसे युवा पीढ़ी है जी, जी। वो बिल्कुल अंग्रेजी के पीछे भागती रहती है जी, जी। और जब उनसे कुछ अपनी मातृभाषा में पूछा जाता है तो वो ढंग से पढ़ भी नहीं पाते जी। तो जो जब आप जैसे इतने महान लेखक कुछ ऐसे बारे ऐसी चीज़ें जानते हैं तो आपको कैसा लगता है? नहीं, मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब आप अंग्रेजी बोलते हो तो क्या बोलते हैं, हेलो हाउ आर यू, और फिर हिंदी में आ जाते हो, क्योंकि जिसके साथ आप बोलना चाहते हो वो भी नहीं जानता है और आप बोल रहे हो तो आप भी नहीं जानते। अंग्रेजी भाषा कोई इतना साधारण लैंग्वेज नहीं है, ये 20 साल तक समझोगे पढ़ोगे तब भी समझ में नहीं आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी भाषा में अपनी अभिव्यक्ति को जितने आसानी से स्पष्ट कर सकते दूसरी भाषा में नहीं कर पाएंगे, इसलिए भाषा बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, रोज़गार बहुत ज़रूरी है। रोज़गार कोई कलेक्टर बैरिस्टर बनने वाली बात नहीं है, आप एक साधारण चपरासी बनकर या छोटा कुंडा कोई काम करके भी आप रोज़गार कमा सकते हैं और लोग कर रहे हैं। जिन्हें पता है, जिन्हें उत्साह है, जिन्हें जिज्ञासा है अपने काम के प्रति, वो सब कुछ कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपका सपना ही यही होगा कि नहीं मुझे कलेक्टर ही बनना है या मुझे गवर्नर ही बनना है, तो शायद ही असंभव है। जब 2001-2003 जब चालू हुआ तब मुझे मेरी किताबें बढ़ने लगी और मेरे पास पैसा आने लगा। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ कि लेखक का जन्म ही 50 साल के बाद है और उसकी ज़िंदगी उसके मरने के बाद है। मैं भला ही मर जाऊँगा, मैं किताबों के माध्यम से मुझे लोग जानेंगे और पहचानेंगे। ये पुस्तकें मैं नहीं प्रकाशित करूँगा, मेरे बेटे प्रकाशित करेंगे, वो नहीं करेंगे, आप करेंगे। लेकिन ये अगर अच्छी लगेगी तो बढ़ती जाएगी और लोग अपनी अपनी भाषा में भी छापते रहेंगे तो लक्ष्मण राव जिंदा रहेगा हमेशा के लिए। जी आप जी। बहुत बेहतरीन बात कही, बहुत बेहतरीन बात। मेरे को आपसे एक ये चीज़ पूछनी है कि जैसे आजकल के जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं कि उनके सपने बड़े हैं पर कहीं ना कहीं वो 3-4 बारी फेल हो जाते हैं जी, और फिर उसके बाद उनके पास कोई इंस्पिरेशन रहती नहीं है तो छोटे मोटे काम में ही बड़ी खुशी ढूंढ लेते हैं भले उनका करने का मन भी ना हो। फिर आप ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? जैसे मैंने आपने बताया कि आपने
पान की दुकान से काम करा, आपने कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करा, आप अपने गांव से आए, 40 रुपये पिताजी से लेकर आए। जी जी जी, मैं आप जैसे लोगों को देखता हूँ और आज की युवा पीढ़ी को देखता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार इनके अंदर कुछ है ही नहीं। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों को कि आप सपना देखिए, ऊंचा से ऊंचा सपना देखिए, लेकिन उसके लिए नीतियाँ तैयार करिए, रास्ते तैयार करिए। सबसे पहली बात है भोजन। मैंने इतने मजदूरी में काम किया, सब कुछ किया, लेकिन मैं कभी आज तक भूखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरी ये प्राथमिकता रही है कि भोजन पहले। भोजन के लिए मैंने भवनों पर मजदूरी की, ढाबे पर बर्तन भी साफ किए, क्योंकि जब तक आपके जेब में पैसे नहीं होंगे या आपके घर में भोजन नहीं होगा तो आप कैसे काम कर पाओगे। तो मैं हर सबको कहना चाहता हूँ कि पहले भोजन की व्यवस्था करो, उसके बाद अपने सपने की तरफ देखो, उसके बाद आप जितनी सैलरी कमाते उसके 10% की बचत करो, क्योंकि ये आपकी पूंजी है, ये आपको शक्ति भी देती है और ये आपको आपका उत्साह भी बढ़ाती है। जब तक पैसा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होता। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, कि जैसे मैंने आपने अपने जीवन से बताया कि आपने कभी भी हार नहीं मानी। जी, तो आप क्या एक मैसेज ऐसा देना चाहेंगे जो लोग अपनी ज़िंदगी में बढ़ना चाहते हैं बट वो किसी कारण की वजह से बढ़ नहीं पा रहे और वो एक जगह पे बैठ गए हैं, तो क्या आप कहना चाहेंगे? तो जब भी आपने कहा ना कि आपने कभी हार नहीं मानी, तो मैंने उतना ही सोचा जो मैं कर सकता हूँ और मैंने वही किया जो मैं कर सकता हूँ और मैं करता गया। तो इसीलिए मैं आज के युवा को वही कहना चाहता हूँ कि आप वही करो जितना आपसे हो सकता है, पहले वो करके दिखाओ फिर दूसरी सीढ़ी पे चढ़ो। 8वीं पास का बच्चा 9वीं में जाएगा, 12वीं में नहीं जा सकता है, या 12वीं पास एमए नहीं कर सकता है, उसको ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा। तो सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ने का प्रयास करो, सब कुछ हासिल हो जाएगा। किताबें नहीं पढ़ते हो आप, ये डिवाइस लेके बैठ जाते हो, इसमें कुछ नहीं, इसमें मनोरंजन ही है और कुछ नहीं है इसमें, लेकिन पुस्तकों में ज्ञान है, पुस्तकों में जीवन है, पुस्तकों में हमारे देश का इतिहास है, पुस्तकों में हमारे देश की गंगोत्री भी है, नर्मदा भी है। तो उसे तो आप जानते नहीं हो, आप जानना क्या चाहते हो? अगर जानना ही नहीं चाहते हो तो फिर आप कुछ नहीं हो, ये मेरा मानना है। तो आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य की तरफ देखो, अपेक्षा भी मत करो और प्रतीक्षा भी मत करो, आगे बढ़ो, आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। धन्यवाद लक्ष्मण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो ये थे लक्ष्मण राव जी, मिलते हैं जल्द रियल लाइफ हीरोज़ के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल 10 तक इंडिया।